बनाते वक्त हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास व्हाइट कॉलर भी नहीं था, कोई हमारा पॉलिटिशियन बनना है वो हमको सपोर्ट कर रहा है, ये छोटे छोटे मदद के साथ इधर तक आया हुआ है। हमको कोई लाखों से करोड़ों से पैसे देने वाला डोनर नहीं है, हमारे पास 1,000 रुपये 2,000 रुपये देने वाले डोनर्स है जो अपने बर्थडे या कोई इवेंट रहता है, कोई खुशी का माहौल रहता है, तो बोलते हैं कि सर मैं एक बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, एक बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, मेरे कुछ चीज़ें हैं शायद वो इन बच्चों को यूटिलाइजेशन हो सकते हैं। 60-70% हैंडी चीज़ें सब यूज है, आपने नीचे वो कंप्यूटर टेबल से सब देखा होगा ना, वो कई चीज़ें हम लोगों ने खरीद नहीं किया, वो जहाँ पे अनयूज थे यहाँ पे लाके हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, वो सिस्टमेटिक रखा है उसको। एक फोन पे काम होता है या किसी को हमको उस चीज़ के लिए मदद चाहिए तो एक हम लोग बताएंगे कि सर आप अगर प्रोफेशनल डॉक्टर हो या प्रोफेशनल वकील हो या प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट हो, सर ये हमारा काम आप करके दीजिए, तो खुशी से करेंगे, उसके लिए हमको पैसा नहीं लेते वो लोग। आप जैसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, सर मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ, एटलीस्ट मैं 2 घंटा आके बच्चों को, मैं कंप्यूटर में मुझे नॉलेज है, मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकता हूँ, तो वो भी एक चैरिटी है ना, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एक लड़की आती है बोलती सर मैं बहुत अच्छा गाती हूँ तो बच्चों को मैं गाना सिखा सकती हूँ, कोई बंदा आता है कि सर मैं सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से पोस्ट करता हूँ, मैं रील्स अच्छा करता हूँ, तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वीडियो बना सकता हूँ, तो उसके लिए पैसा नहीं लगता है। एक अच्छा बंदा था, इसने मुझे मदद किया, इसने ऐसा किया, तो वो एक्चुअली जिंदगी है। हमारे पास कितना मर्सिडीज है, कितना बंगलो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सक्सेस के साथ आपके साथ वो लोग होना चाहिए जो आपको खुशी में साथ रहे, आपके दुख में लोग हो। ऐसा नहीं कि पार्टी करे 30 लोग आ गए और आप एडमिट हो गए, एक ही बंदा आ गया। और फेसबुक वाले व्हाट्सएप स्टेटस देखने वालों के ऊपर यकीन मत करो, ठीक है, वो सिर्फ आपको लाइक करेंगे, कभी आपके साथ मुसीबत में नहीं ठहरेंगे। सर सर के मैंने स्टोरी सुनी है 2019 में, जब मैं पहले बार देशपांडे फाउंडेशन के लिए आया था, उनकी जो जो स्टोरी है गाइस सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस। सो इतना इनकी जैसे आदमी मैंने आज तक देखा नहीं। ये जो कह रहे हैं सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर से बहुत कुछ सीखने मिला, एक्चुअली मुझे ये सीखने मिला कोई सोचता रह जाता है और कोई करके दिखा देता है, ये बात मुझे बहुत सच। यहाँ से आने को पहले HIV के बारे में पता तो था, लेकिन ये ब्लड से होने के बाद 42 सेकंड के बाद मर भी जाता है, ये अभी सीखने को पता चला भी मिला। थैंक यू सो मच सर, इतना मोटिवेशन मिले। We very rarely get such opportunities to meet such, you know, great human beings. So humble, so down to earth. Yes, before coming here, we didn't know about what is HIV, but we didn't know the seriousness of it. So it was through you, you know, so obviously we would also like to be a part of this in the near future coming. We would surely contribute to this. I always try to compare two things. One is qualification and another one is experience. और ये दोनों compare करते करते I came to the conclusion of late कि experience को कोई beat नहीं कर सकता, any qualification. आप masters हो या PhD हो या double PhD हो या research हो, जो भी हो, experience को कोई qualification beat कर सकता, वो यहाँ पे testimony आपने को देखने को मिला। So the kind of interaction what Mahesh had with all of us, and he could share his experience with all of us, mesmerizing, a great inspiration to we all of us. A big round of applause. They are neglected, they are ignored by the society. Even people who are inside the society scared to go near them. It means ye jo Mahesh Foundation ka tagline hai, we care for uncared. Wow. बहुत लेसन्स हैं माय दोस्त, मेरे दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट लेसन्स बहुत, मतलब बहुत लर्निंग है यहाँ पे। मिस्टर महेश बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ही हैज सरेंडर्ड हिज लाइफ एंड ही हैज कम हियर, हाउ सरप्राइजिंग इट इज। आप सोचते हैं कि यस हम सीखेंगे, हम जिएंगे, हम बड़े बड़े सिटीज में
जाएंगे, हम पिज्जा खाएंगे, मैकडोनल्ड में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन लाइफ इज देयर बियॉन्ड दैट माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग महेश के जैसे बनो, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट महेश के साथ हैंड शेयर करो, एटलीस्ट यू कैन बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू हिम, दैट इज व्हाट आई मीन। महेश के जैसे बनना हर एक की बात नहीं है, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी माय डियर फ्रेंड्स, अगेन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। अगर ऐसा भी होता है देन डेफिनेटली आई विल सैल्यूट अलाइक आई सैल्यूट महेश। यस, सो दिस इज वन थिंग। लास्ट वन थिंग इज वी वर जस्ट कंपेयरिंग अवरसेल्फ दैट व्हाट वी डिड इन व्हेन वी वर स्मॉल, हम सब छोटे थे, महेश कुड नैरेट गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज। सो आई विश यू ऑल पीपल टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, फॉलो द प्रिंसिपल्स व्हाट हैव बीन डिस्कस्ड बाय Mahesh Saab today on this particular occasion, and I wish you all the best.